That's my best friend. हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब? करता हूँ सब बढ़िया होंगे भाइयों। तो GT ऑनलाइन में इस हफ़्ते हमें किस्मत से नई गाड़ी मिल चुकी है। तो पिछले हफ्ते कोई गाड़ी नहीं मिली थी, बड़ी वेट की सबने, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैंने बहुत वेट की थी न्यू कार की, लेकिन कार नहीं आई थी। लेकिन इस हफ़्ते रॉकस्टार मेहरबान हो गया और गाड़ी हमें दे दिया एक। तो आज उसे बाय करेंगे, देखेंगे उसकी मॉडिफिकेशन स्पेसिफिकेशन सारी और क्या कुछ परफॉर्म करते हैं। तो गाड़ी असल में SUV है, ऑफ रोड व्हीकल है, तो कोई हाईटेक गाड़ी नहीं है, ना ही सुपर कार है, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है भी नहीं उससे। लेकिन गाड़ी महंगी बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से तो कुछ खास होना चाहिए। तो ये गाड़ी है एनिस हीलियन, 8,35,000 की गाड़ी है। तो पहले इसको कर लेते हैं ऑर्डर और इसको ग्रीन कलर में ही मंगा लेते हैं। येलो तो ये दिख ही रही है हमें, तो मेरे गैरेज फुल हैं सारे, ये वाला खाली होगा। ठीक है, बड़ी मुश्किल से ही किसी गैरेज में जगह मिल रही है, सब भर गया है। तो चलते हैं अपने गैरेज में, अपार्टमेंट जहाँ पे हमने मंगाया है इस गाड़ी को, और इतना ये आएगी इतना हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और भाई साथ ही में GTA की वीडियोस कुछ इसी तरह ही आएंगी, मतलब कि एक तरह से GTA एंड हो ही गई है। अभी इसके बाद एयरक्राफ्ट सीरीज़ आएगी पूरी की पूरी, और उसके बाद समझ लो GTA मेरी ख़त्म ही है, मेरे कुछ करने के लिए बचा नहीं है। हम डेडलाइन वगैरह खेलते तो हैं और डेथ मैच वगैरह करते हैं, तो बाकी वो भी मैं शायद वीडियो अब ड्रॉप कर दूं क्योंकि ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी नहीं आते। तो अब और गेम्स हम शुरू करेंगे, यानी GTA में कुछ जो भी ज़रूरी चीज़ होगी सिर्फ उसकी वीडियो आएगी, जैसे कि ये अपडेट वगैरह, न्यू व्हीकल वगैरह, या फिर कोई ग्लिच जो भी लोग डिमांड करेंगे, या फिर कोई टिप्स या ट्रिक्स चाहिए किसी को तो वो डिमांड करोगे, तो GTA की वही वीडियोज़ आएंगी। इसके अलावा GTA अब ख़त्म ही हो गया, 300 वीडियो GTA की डल गई हैं चैनल पे, और इससे ज़्यादा तो भाई क्या ही डालूँ मैं GTA। तो चेक करो एक बार, 300 वीडियोज़ डल गई हैं मेरी तरफ से बिल्कुल। अभी मैं पब्लिक करूँगा लेकिन एक एक करके, तो 300 मैं डाल चुका हूँ भाई, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। तो अब और गेम्स चलेंगी, और साथ ही पबजी भी भाई पॉपुलर डिमांड हो रही है, पबजी की डिमांड इतनी हो रही है, तो मैं पबजी स्टार्ट करूँगा PS4 में। और बहुत ही लोग कम खेलते हैं PS4 में क्योंकि हार्ड है यार कंट्रोलर से एम वगैरह करना, लेकिन फिर भी हम खेलेंगे उसको। तो पबजी की वीडियोस डालूँगा और बाकी और गेम्स की डालूँगा, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3 अब आएगी, फिर उसके बाद द लास्ट ऑफ अस, फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2। तो सब कुछ साथ ही चलेगा क्योंकि 300 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हो चुके हैं, तो उसमें भी भाई चैनल नहीं ग्रो हुआ तो अब और कैसे होगा और कितना एफर्ट करूँ मैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपका काम है भाई अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर किया करो वीडियोस ये, ताकि और भी जगह चैनल की रीच हो, लोगों तक चैनल ही नहीं पहुँच रहा आज के टाइम पर, इतने चैनल हैं यूट्यूब पर इंडिया में ही, इतने ज़्यादा चैनल हैं, तो इसलिए भाई इसी से ही हेल्प हो सकती है। मैं और सारी गेम्स ख़त्म कर दूंगा भाई, पूरे कैंपेन कंप्लीट करूंगा सारी गेम्स के, और साथ ही अब पबजी जैसे GTA चल रही थी अभी तक, ऐसे पबजी चलेगी अब भाई। तो बने रहना बस, और बताना व्यू दिया करो कमेंट्स में, कौन सी गेम चाहिए कौन सी नहीं, कोई कमेंट में बताएगा तो हमें भाई पता लगता भी है। तो फ़िलहाल तो ये आ गई है गाड़ी, इतनी खास लुक नहीं है, प्लास्टिक वाली गाड़ियाँ ऐसी ही मिलती हैं मेले में यहाँ पर बिल्कुल ऐसी। तो इसको LS कस्टम लेके चलते हैं, पहले इसकी मॉडिफिकेशन देखेंगे क्या कुछ इसके अंदर है। इतनी महंगी SUV दी है रॉकस्टार ने, और उस हिसाब से इसकी लुक है नहीं, इससे अच्छी तो G-Wagon लगती है, इस गेम में बहुत ही सस्ती है, लेकिन इसका अलग ही ढंग है और कुछ खास भी नहीं लग रही। हल्की सीट, बहुत ही हल्की ड्राइव है इसकी, ऐसा लग रहा है इसका व्हील बेस बिल्कुल ही हल्का है, लेकिन स्पीड इसने पकड़ ली है। तो ये लो, ये देखो, होगी ना मेरी बात सच, इसका व्हील बेस सच में ही बहुत हल्का है, ज़रा से ठुकने पे ये पलटियाँ खाने लग रही है गाड़ी, और है SUV असल में, SUV का ऐसा काम तो होता नहीं भाई। देखते हैं मॉडिफिकेशन के बाद इसमें कुछ चेंज होगा कि नहीं, वैसे इससे उम्मीद तो नहीं है इतनी कुछ, इससे अच्छी गाड़ियाँ बहुत है गेम में सस्ती, जैसे कमाचो मिल रहा है इस हफ्ते, कमाचो सेल पे 2 लाख का मिल रहा है टोटल भाई, तो ये गाड़ी लो चाहे ना लो लेकिन कमाचो जरूर ले लेना, बड़े ख़तरनाक गाड़ी है, बहुत सही ट्रक है, ट्रकों में सबसे नंबर वन ट्रक कमाचो ही है, उससे अच्छी ऑफ रोडिंग कोई नहीं करता इस गेम में। तो बम्पर्स में ऑप्शन है, और बम्पर्स में काफ़ी सारे ऑप्शन है भाई, चलो
रॉकस्टार ने यानी ध्यान तो दिया है थोड़ा बहुत, ये वाला कुछ सही भी है, ये कुछ ज़्यादा ही है। तो कहाँ गया वही, अरे ये वाला तो इसको कर लेते हैं सेकेंडरी। रियर में भी काफ़ी सारे हैं, ये देखो भाई इसके एग्जॉस्ट, गाड़ी की लुक ख़राब तो मैं करने वाला हूँ नहीं भाई, मैं तो सिंपल ही रख लूँगा, इससे गाड़ी की सारी लुक चली जाएगी, वैसे कुछ खास लुक है नहीं इसकी। और ग्रिल इसमें ये जीप वाली है, जीप कंपनी वाली, ये ही लगा लूँगा, अभी आपको दिख नहीं रहोगी ग्रिल की वजह से। ग्रिल कहते हैं इसको यार, क्या कहते हैं, बम्पर। और उस्ताद वाली नंबर प्लेट ठीक रहेगी, वी स्प्रे की वाली तो कलरिंग में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वैसे भी इसकी लुक बढ़ने वाली तो है नहीं, कुछ भी कर लो। तो इसको मैं सोच रहा हूँ सिंपल क्रोम ही कर लेते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होते, क्योंकि इस गाड़ी पर लिवरीज अच्छी हैं, एक लिवरी तो बहुत ही यूनिक है, तो मैं उसको ही लगानी है मैंने, वैसे भी तो किसी भी कलर पे उसको लगा दूँ, इससे सही क्रोम पे ही लगा देते हैं, कुछ अच्छी लुक भी आएगी। तो भाई क्रोम ठीक है, ये हो गया हमारा क्रोम। अब लाइवरी लाइवरी लिवरी जो भी इसको कहते हैं, मैं तो लिवरी कहता हूँ भाई, तो दिखा देता हूँ लिवरीज इसकी, और जो यूनिक वाली है वो मैं रखूँगा पहले ही, मैंने सोच रखा है। तो ये सब नकली हैं, ये भी, ये इम्पोर्टेंट, ये रही भाई देखो, ये यूनिक है, नाइटमेयर वाली लिवरी, सबसे यूनिक लिवरी है इसी व्हीकल पे, ये बहुत सही लिवरी है, तो रेयर लिवरी मिल रही है इसलिए तो लेनी पड़ेगी। और अब इसको ज़रा कलर दे देते हैं नीचे, ये भी हो गया। अब रोल केज अंदर इसके, तो ये दे देते हैं, रूफ़ में भी ऑप्शन है तो रैक भी है, चलो ऑफ रोडिंग के लिए दोनों ही ले लेते हैं, वैसे ऊपर वाली लाइट जलती नहीं है, ये बस ऐसे ही दिखाने के लिए रॉक स्टार पंगे लेता है। अब इसके स्कर्ट्स, स्कर्ट्स भी क्रोम वाले हैं, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, टर्बो, ये तीनों चीज़ें हमेशा हाई लेवल पे। अब व्हील्स की बारी, व्हील्स इसको ऑफ रोड देंगे, तो इसकी कस्टमाइजेशन ठीक ठाक है वैसे, लेकिन गाड़ी की लुक में कोई फ़र्क नहीं आता भाई, चाहे कितना सवार लो, गाड़ी जब अच्छी ना बनी हो तो उसको अच्छा कैसे बना दोगे। कलर देख लेते हैं एक बार, ग्रीन कोई इस पर अगर जच गया तो ठीक है, नहीं तो ब्लैक देना पड़ेगा, ग्रीन के कई सारे वेरिएंट हैं इसमें, रिम पे देने के लिए बहुत सारे वेरिएंट हैं। तो भाई ये मैच कर रहा है, पी ग्रीन कुछ मैच कर रहा है, बाकी तो नहीं कर रहे, ये देखो कितने वेरिएंट है ग्रीन के, तो इसको करते हैं भाई फाइनल, ठीक है। सिंपल ब्लैक देने से अच्छा तो वैसे भी कौन सा ये चलानी है हमने, ये तो रिव्यू देना है इसलिए मैंने खरीद दिया भाई, मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी कि गाड़ी लो और इस रेयर लिवरी के लिए तो बिल्कुल भी मत लेना। अगर सोच रहे हो कि यार ये लिवरी मिलेगी तो इसके लिए 8 लाख तो बिल्कुल खर्च मत करना, कमाचो ले लो इसकी जगह, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो ये देखो इसकी फाइनल लुक, क्रोम पे लिवरी, ये देखो है ना कुछ तो ठीक ठाक बनाई दी भाई मैंने, वैसे तो इससे ज़्यादा मैं इसकी लुक सुधार भी नहीं सकता, जितनी सुधार सकता था सुधार दिया। और दिख रहा होगा आपको थोड़ा क्रोम एक ही साइड से चमकता है, जहाँ पे धूप लगेगी वहीं से चमकेगा, इधर से दिखा देता हूँ। अब देखते हैं एक कुछ इसमें बदलाव हुआ है कि नहीं इतनी अपग्रेड डालने के बाद। तो दूसरी तरफ से लिवरी देख लो एक बार, अब इसकी थोड़ी टेस्टिंग करते हैं ज़रा, यहाँ से निकल के इसको ऑफ रोडिंग भी कराते हैं थोड़ी बहुत। तो
भाई ऐसा कोई ख़ास तो इसका व्हील बेस बहुत लाइट अभी भी बहुत हल्का लग रहा है। स्पीड तो इसकी है हाई लेकिन ब्रेकिंग में कोई सुधार है नहीं। लेकिन वैसे फ़न व्हीकल है भाई, ऑफ रोडिंग करने में तो फ़न होगा इससे। अब इतनी ज़्यादा भी बुराई मैं कर नहीं सकता, हालांकि इसमें बहुत बुराई है लेकिन फिर भी बहुत सही चल रही है। लुक इसकी अगर थोड़ी अच्छी और होती, थोड़ी खास लुक होती तो बहुत सही लगती गाड़ी है। तो इसको ज़रा देखते हैं, अब ऑफ रोडिंग इसकी चेक करते हैं कितनी तगड़ी ग्रिप है इसकी। तो आराम से भाई पहाड़ तो आराम से चढ़ रही है जैसी इसकी स्पीड है वैसे, पर लेकिन ग्रिप के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ। ये देखो इसका व्हील बेस देख रहे हो, ऐसे इसके टायर उठ रहे हैं अपने आप ही। तो ऑफ रोडिंग में तो भाई टायर जमाना बहुत ज़रूरी है, टायर गाड़ी का अगर नहीं जमा तो ऑफ रोडिंग भूल जाओ। तो इसको इस ऑफ रोडिंग ट्रैक पे चढ़ाते हैं ज़रा और भगाएंगे इसको, देखेंगे क्या कुछ हिसाब है इसका। तो भाई ऑफ रोडिंग सही चढ़ गया ऊपर तो ये, लेकिन देखो इसके टायर अपने आप उठ जाते हैं ऊपर ज़रा सी भी अगर कोई ढलान, ये देखो चढ़ाई ढलान कुछ भी आ जाए अपने आप टायर ऊपर उठ रहे हैं इसके। तो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो तो मैं ना भी बोलूँ तब भी नेगेटिव पॉइंट इसका है। तो इसका डिटेल्ड रिव्यू भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, इसका जल्दी ही मिल जाएगा भाई, तो वो देख लेना पहले इसको ख़रीदने से पहले। सारा कुछ टेस्ट करके इसका रिव्यू मैं डाल दूँगा और जैसा कि मुझे लग रहा है मैंने तो लुक ठीक ठाक बना ही दिया है। हाँ सही है भाई, है ना व्यू ठीक। तो अभी वीडियो करते हैं ख़त्म, मिलते हैं इसकी रिव्यू वीडियो में, और तब तक के लिए सबको बाय।